आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के अति पवित्र नाम को आज की सुबह पूरे दिल से महिमा और आदर अर्पित करें। परमेश्वर ने अति करुणामय होने के कारण हमें एक और दिन देखने का मौका दिया है। आज सुबह परमेश्वर जो वचन का भाग हमें देते हैं वे है प्रेरितों के काम अध्याय 27 का 18वां वचन। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर आज सुबह जिस विषय पर हम साथ मनन करने वाले हैं वे है विभिन्न प्रकार की हवाएं। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की तुलना एक जहाज की यात्रा से करते हुए विभिन्न वचन के भागों को हम देख सकते हैं। उन सब वचनों के प्रकाशन को पाए भक्त ने इस कारण इस प्रकार गाया, विश्वास जीवन की नाम पर हम सियोन नगर को जाते हैं। हाँ प्रियो, हम स्वर्गीय सियोन को लक्ष्य बनाकर एक दूसरे किनारे की ओर सभी कठिनाइयों सभी परेशानियों का सामना करते हुए तेजी से आने वाली विभिन्न प्रकार की हवाओं का सामना करते हुए एक यात्रा में इस सच्चाई को ना भूलें। प्रेरितों के काम अध्याय 27 को यदि हम पढ़कर मनन करें तो विभिन्न प्रकार की हवाओं के विषय में हम पढ़ सकते हैं। चौथी आयत में नजर आने वाला एक हवा का प्रकार है विरुद्ध की हवा। विरुद्ध की हवा का अर्थ उसी आयत से व्यक्त होता है, यात्रा के प्रतिकूल खड़ी हवा। ऐसी प्रतिकूल हवाएं नहीं आएंगी, ऐसा वायदा परमेश्वर हमें नहीं देते हैं। परंतु यहाँ जब प्रतिकूल हवा चली तो क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया? वे दूसरे एक द्वीप की आड़ में होकर चले। जी हाँ, आत्मिक जीवन पर जोर से टकराने वाली विरुद्ध हवाओं पर जय पाने के लिए हम धनी लोगों या राजाओं की आड़ ना लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परों के नीचे छिपे रहकर उस परमेश्वर की उपस्थिति की छाया में छुपकर उसकी आड़ लेकर आइए हम इन विरोधी हवाओं पर जय पाएं। 13वीं आयत में एक और प्रकार की हवा का वर्णन है और वह है दक्षिणी हवा। ये धीरे धीरे बहने वाली हवा है। इस हवा ने उनके अभिप्राय या इच्छा को पूरा किया ऐसा प्रतीत कराने वाली हवा है। कई बार हमारे जीवन के सफर में सारी बातों की गणना कर हम सोचते हैं कि सब काम पूरा हो गया, ऐसा विचार करते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये हवा किसी भी क्षण अपना मिजाज बदल सकती है। हमारी इच्छा पूरी होगी ऐसे विचारों को हवा में उड़ाते हुए यहाँ 14वीं आयत में इस दक्षिणी हवा को बदलकर एक और हवा के बारे में पढ़ते हैं और वह है यूरकुलिन नामक बड़ी आंधी। इच्छा पूरी हुई या पूरी की जा रही है ऐसे विचार देने वाली हवा देखो अब विरोध में खड़ी है। 15वीं आयत में आने पर उस हवा के अत्यधिक उग्र रूप को हम देख पाते हैं। जहाज भी उसके सामने न खड़ा रह सका, उसे बहाने लगी, उसे उलझाकर फंसाकर परेशानियों में खड़ा कर देती है। आगे के भागों को यदि हम मनन करें तो यूरकुलिन ने जहाज को पूरी तरह से फंसा दिया। केवल जहाज को ही नहीं, जो जहाज पर सवार थे उन्हें भी भूखा रहने को विवश कर दिया, क्योंकि जहाज में जो माल था वे सब बाहर फेंकना पड़ा। इस हद तक कि अंत में उनके बचने की आशा तक नष्ट करने वाली हवा थी ये हवा। 20वीं आयत के अनुसार ये हवा बड़े लंबे समय तक बहुत तेजी से चलती एक हवा है। एक वाक्य में कहूँ तो केवल जहाज को लक्ष्य बनाकर जहाज को पूरी तरह से डुबाने तक तेजी से चलने के लिए अति उग्र सामर्थ्य के साथ प्रतिरोधित खड़ी हवा है ये यूरकुलिन हवा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, आज सुबह अपने जीवन के अनुभवों में आपके विश्वास की नाव, जीवन रूपी विश्वास की नाव यदि हिचकोले खाती हुई उलझकर यदि डूबने के कगार पर है, विरुद्ध हवाओं के कारण, दक्षिणी हवाओं के कारण या फिर अति उग्र सामर्थ्य रखने वाली यूरकुलिन हवाओं के कारण थकी हुई अवस्था में है, हे हवा
शांत हो जा। प्रभु की इस वाणी को सुनने के लिए आइए हम अपने कानों को लगाएं। सभी प्रतिकूल अवस्थाओं को शांत कर हमें उस पार पहुंचाने के लिए हमारा प्रभु सशक्त है। प्रियो, ध्यान दें, हमारी इस विश्वास जीवन की यात्रा में इस समुद्र में किसी भी क्षण प्रत्यक्ष होने के लिए हवा छिपी बैठी है। वे किसी भी क्षण सामने आ खड़ी हो सकती है। इस बात को समझते हुए धैर्य के साथ हम आगे बढ़ें। हवा विरोध में तेजी से आकर टकराने दो। प्रार्थना रूपी दीवार को हम उससे और ऊंचा बनाकर खड़ी करें। प्रार्थना में जरूर सभी प्रतिकूल हवाएं नष्ट हो जाएंगी, पर हम नष्ट नहीं होंगे। आइए हम साथ प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, आज की सुबह इस वचन को सुनने वाले तेरे प्रिय संतानों में यदि कोई भी अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विरुद्ध हवाओं या दक्षिणी हवाओं या यूरकुलिन के थपेड़ों को झेलकर थक चुके हैं और डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं, तो प्रभु यीशु की ये मधुर वाणी उनके जीवनों में सुनाई देने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।